क्या तुम अपनी सेल्फ केयर करते हो? पता नहीं। अगर नहीं तो तुम्हें नहीं पता कि तुम अपनी कितनी बैंड बजा रहे हो। हाय गाइस, मेरा नाम है वरदान और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे बेसिक सेल्फ केयर के बारे में जिसके बारे में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। पर उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई ये सेल्फ केयर होता क्या है। खुद का मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली ध्यान रखने को सेल्फ केयर कहते हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि भाई सेल्फ केयर करते क्यों हैं। देखो मेरे भाई, अगर तुम मेंटली ठीक नहीं होगे तो तुम्हें पागलखाने डाल देंगे, अगर तुम फिजिकली ठीक नहीं होगे तो तुम्हें हॉस्पिटल डाल देंगे, अगर तुम साइकोलॉजिकली ठीक नहीं होगे तो तुम्हें डिप्रेशन में डाल देंगे। कौन डालेगा? तुम खुद डालोगे अगर तुम सेल्फ केयर नहीं करोगे। तो अब बात कर लेते हैं हमारे 10 बेसिक सेल्फ केयर के बारे में। नंबर 1 है स्लीप क्वालिटी। देखो मेरे भाई, अगर तुम्हारी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है, सही नहीं है ना, तो तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और यहां पे मैं स्लीप क्वालिटी की बात कर रहा हूं, स्लीप टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूं। स्लीप क्वालिटी में जैसे जब तुम सोओगे तो तुम ऐसे रूम में सो जो रूम अंधेरा वाला हो, जिस रूम में शोर ना हो, तुम्हारा बेड जो है वो कंफर्टेबल हो, तुम्हारा तकिया जो है वो कंफर्टेबल हो। और तुम भले ही 11 बजे सोते हो, 12 बजे सोते हो, 10 बजे सोते हो, 1 बजे सोते हो, जितने भी बजे सोते हो, लेकिन तुम्हारी सोने की टाइमिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। हर रोज डेली की एक ही टाइमिंग होनी चाहिए और तुम 7 से 8 घंटे की नींद लोगे तब जाके तुम्हें एक क्वालिटी नींद मिलेगी। और नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बार बार टूटनी नहीं चाहिए, वो क्वालिटी स्लीप नहीं होगी। एक बार सो गए तो सो गए, वैसी वाली स्लीप होनी चाहिए। सेल्फ केयर नंबर 2 है अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को लिखो। ये बहुत काम आता है अपने माइंड को क्लियर करने के लिए। जब भी तुम्हारे मन में कोई इमोशन है, कोई फीलिंग है और जिसको तुम जो है अपने माइंड में सोचे जा रहे हो, बार बार सोचे जा रहे हो, उसको तुम किसी पेपर पे लिखो और अपनी फीलिंग को जब तुम सामने लिखोगे तब जाके तुम्हारा माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा और तुम उस चीज के बारे में इतना नहीं सोचोगे। इसका एक और बड़ा फायदा है कि हिडन थॉट्स, हिडन फीलिंग्स जो है हमारी सामने आ जाती हैं कई बार, जो चीज़ हम सोच नहीं रहे होते हैं बट वो चीज़ हमारे सामने आके हमें दिख जाती है। और आंखों के सामने जब हमें चीज़ दिखती है तो हमारे दिमाग को लगता है कि हाँ, ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, हमने ये चीज़ लिख ली, कर ली और अब हम कुछ और करेंगे। इसलिए अपने माइंड को क्लियर रखने के लिए बार बार जो चल रहा होता है दिमाग में वो सब भूल जाने के लिए तुम्हें माइंड को क्लियर करने के लिए ये चीज करनी पड़ेगी। सेल्फ केयर का ये एक बहुत जरूरी पार्ट है क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स जब सामने आएंगी, सामने लिखी जाएंगी तो वो क्लियर हो जाएंगे। तीसरी सेल्फ केयर है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। और तुम वो कैसे कर सकते हो? एक्सरसाइज करके, योगा करके और कोई भी ऐसी एक्टिविटी करके, कोई स्पोर्ट्स करके, जिम करके तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम्हारी हेल्थ सही होगी तभी तुम अच्छा फील करोगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल बेकार है, तुम बीमार हो, तुम बिस्तर में पड़े हुए हो और कोई तुम्हें तुम्हारा फेवरेट गिफ्ट दे रहा है, कोई आईफोन गिफ्ट कर रहा है तुमको और तुम उछल के नाचने लग जाओगे कि मैं तो ठीक हो गया। ऐसा नहीं होगा ना, हेल्थ सबसे पहले रखो। और हेल्थ सही रहेगी तो तुम सिर्फ फिजिकली सही नहीं रहोगे, साइकोलॉजिकली, मेंटली भी ठीक रहोगे, जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी है। और एक चीज की केयर करनी है, नीचे लाइक बटन है उसकी केयर करो, उसको दबा दो। नंबर 4, अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों का साथ दो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। तुम्हें पता है हम ऐसे 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिन लोगों के साथ हम लोग टाइम बिताते हैं, क्योंकि उनकी बातें, उनकी थिंकिंग डायरेक्टली हम पे इंपैक्ट करती है। तो ऐसे 5 लोग चुनो जो पॉजिटिव हो, तुम्हें सपोर्ट करें, तुम्हें मोटिवेट करें। पर क्या हो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कोई लोग हो ही ना, तो है सॉल्यूशन उसका भी। बतल, तुम अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, तुम पॉजिटिव लोगों को फॉलो कर सकते हो, तुम उन लोगों को फॉलो कर सकते हो जो तुम्हें मोटिवेट रखें, जो तुम्हें कुछ सिखाएं, जिनसे तुम कुछ सीखो, जिनसे तुम पॉजिटिव रहो, है ना। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग अवेलेबल हैं और एक तो मैं ही हूं। मेरा नीचे इंस्टाग्राम पे हैंडल आ रहा है, वहाँ पे तुम डेली कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो। मैं स्टोरीज पे शेयर करता रहता हूँ और डालता भी रहता हूँ, चेक कर लो। नंबर 5 है अपने आप को ग्रूम करो, अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान रखो। अगर कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी स्किन में तो उसको ठीक करो, नेचुरली ट्रीट कर सकते हो अपनी स्किन को। और जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपनी स्किन के लिए, वो अपनी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ किया करो। और तुम्हें अपने बालों का भी ध्यान रखना चाहिए, और कैसे रखना है ये आई बटन में वीडियो दे रहा हूँ, इधर उधर चेक कर लो और इस वीडियो के बाद चेक करना। अपने कपड़ों का भी ध्यान रख लो, अपनी आउटफिट जो है अच्छी अच्छी बना लो और मिक्स एंड मैच करने की थोड़ा बहुत नॉलेज इकट्ठी कर लो। और नेट पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस तुम्हें मिल जाएंगे, तुम चेक कर सकते हो। और अपने आप को अच्छे से ग्रूम करो, ओवरऑल अपने आप को अच्छा दिखाना है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अब यहां पे कुछ बिक नहीं रहा है, पर अपने लिए करना है ये, खुद के लिए। नंबर 6 है अपना पैशन ढूंढो, और अगर मिल गया है तो उस पे काम करो। अगर तुम्हें लाइफ में खुश रहना है, सेटिस्फाई रहना है, तो कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिले, जिसमें तुम्हें मजा आए। अगर तुम्हें अपना पैशन नहीं पता है तो फिक्र मत करो, ढूंढो, नई नई चीजें ट्राई करो, तभी जाके तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली में तुम्हें मजा किसमें आता है। जैसे कि मुझे मजा आ रहा है, ये देखो पसीना कितना आ गया है, लेकिन फिर भी वीडियोस बना रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि ये मेरा पैशन है और मुझे इसको करने में खुशी मिलती है भाई, कैसी भी हालत हो रही हो, लेकिन हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और अपने पैशन पे काम करने से नंबर वन तुम्हारे ब्रेन की जो पावर है वो बढ़ती है, नंबर टू तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नंबर थ्री तुम्हें लाइफ में कुछ मीनिंग मिलता है, नंबर फोर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी काम करने की बढ़ती है, और नंबर फाइव तुम एक्चुअली में खुश रहते हो, रियल वाला खुश। तो अपने पैशन पे काम करो, अगर नहीं है तो उसे ढूंढो। और एक चीज और ढूंढनी है तुमने, नीचे ही सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो, ठीक है। नंबर सात है, अच्छी चीजें कंज्यूम करो। देखो जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सुनेंगे, जैसा हम बोलेंगे, उसी हिसाब से हम बन जाएंगे और हमारे दिमाग में वही चीजें भरती रहती हैं। इसलिए सबसे जरूरी है अच्छी चीजें कंज्यूम करना, आजकल के नेगेटिव और घटिया दुनिया में ज्यादा घटिया जरूरी है। आज की नेगेटिव दुनिया में तुम्हें पॉजिटिव रहना है तो अपने दिमाग में गंदगी नहीं भरनी है, और जो कंज्यूम कर रहे हो, जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे तुम खराब खाना खाओगे, सड़ा हुआ खाना खाओगे, तो तुम्हारी हेल्थ भी बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वैसे ही जैसे तुम खराब चीज़ें कंज्यूम करोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाएगा, और नेगेटिव चीज़ें और बेकार चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चलेगी तो उससे तुम्हारी तो जिंदगी खराब होगी ना, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। इसलिए सही चीजें कंज्यूम करो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जियो। नंबर आठ है, अपनी हॉबीज को एंजॉय करो और अपने लिए टाइम निकालो। जैसे मेरी हॉबीज है, मैं मूवीज देखता हूँ बहुत ज्यादा, जब भी मेरा मन करता है तो मैं अपने लिए टाइम निकालता हूँ, मैं मूवीज देखता हूँ और मुझे मजा आता है बहुत ज्यादा। ऐसी तुम्हें भी जिस चीज में मजा आता है अपने लिए टाइम निकालो और वो चीज करो तुम। लेकिन 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 ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो काम करते हैं। अब भाई जो काम ही नहीं करते हैं तो वो अगर ये चीज़ करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसको खुद भी मज़ा नहीं आएगा, मतलब उसको खुद पता ही नहीं लगेगा ही नहीं। लेकिन एक्चुअली में अगर तुम काम करते हो, तुम हार्डवर्क करते हो, तुम लगे रहते हो थोड़ा बहुत, ज़्यादा बहुत, तो तुम्हें तब जाके फील होगा, तब जाके जब तुम अपने लिए टाइम निकालोगे तब तुम्हें अच्छा फील होगा, वैले लोगों के लिए नहीं है ये। नंबर नाइन है, सोशलाइज करना। अब हम जो इंसान हैं वो सोशल एनिमल हैं, तो हमें सोशलाइज करने में मज़ा आता है। हम सोशलाइज इसलिए करते हैं ताकि हम मेंटली ठीक रह सके, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, और ये फीलिंग हमारे अंदर नेचुरली है। इस दुनिया में हम बिना सोशलाइज किए नहीं जी सकते हैं। तो खुद की सेल्फ केयर के लिए तुम्हें न्यू लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, और नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। तुम उन दोस्तों के पास जा सकते हो जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, और अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त नहीं है तो दोस्त बनाओ, नए नए लोगों से मिलो। तो तुम्हें करना ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, लोगों से मिलना है। ये तुम करोगे अपनी खुद की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए। और हमारा आखिरी सेल्फ केयर, दसवां सेल्फ केयर, मूव ऑन करना। तुम्हें पता है हम ओवरथिंक करने की मशीन है, हम रिग्रेट यानी कि पछतावा करने की भी मशीन है। लाइफ में कोई भी चीज़ बुरी अगर हमारे साथ होती है ना, हम उसको लेके बैठ जाते हैं हमारे दिमाग में और बस वहां पे रुक जाते हैं। ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा हूँ, डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूँ, उन छोटी छोटी चीजों की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ ना डेली लाइफ में होती है। कोई चीज हमारे साथ अच्छी होती है, कोई चीज हमारे साथ बुरी होती है, और जो चीज बुरी होती है उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं। इसलिए उसको पकड़ के मत बैठो, जो चीज तुम चेंज कर सकते हो वो चीज तुम चेंज कर लो, और जो चीज तुम चेंज नहीं कर सकते भाई उससे मूव ऑन हो जाओ, छोड़ दो उस चीज़। तो मूव ऑन करो इन छोटी बड़ी चीजों से जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, और ये सोचो कि आगे करना क्या है, क्योंकि लाइफ में और भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उनको फेस करना है कि नहीं करना है, तो इस चीज को छोड़ दो। तो वीडियो को इतना एंड तक देख रहे हो, इट मींस नॉर्मल पर्सन तो नहीं हो तुम, लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ोगे जरूर। तो अभी के लिए मैं चलता हूं, ऐसी वीडियोस और देखनी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर कर दो यार अपने उस दोस्त तक, बता दो ना उसे कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखा कर। तब तक के लिए मैं चलता हूं, ये वीडियोस आ रही है इसके बाद वाली चेक करना। नमस्कार गाइस, नमस्ते, बाय बाय। ये देखो गाइस, पसीना ही पसीना हो गया है, अपनी ही बनियान से अपना पसीना पोंछा जा रहा है।